फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन मनाई जाती है और इसके बाद लोग होली का त्योहार मनाते हैं। यूं तो होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और लोग इस दिन आनंद मनाते हैं, पर अगर इस दिन पूजा अर्चना किया जाए तो लोगों को सौभाग्य से लेकर धन संपत्ति तक की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि अगर होली के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। खास करके होलिका दहन के दूसरे दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि होलिका के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए और इस दौरान होली मनाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि होली का त्यौहार भगवान शिव की आराधना से भी जुड़ा होता है। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि किसी शिव मंदिर में जाकर घी के दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ को अबीर गुलाल से अभिषेक करना चाहिए। होलिका दहन में हमारे पूर्णिमा की तिथि में भगवान सत्यनारायण की पूजा हो जाती है, विष्णु भगवान की, और विष्णु भगवान की पूजन करने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि होली के दौरान अगर किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को अबीर गुलाल का अभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा जल्दी बरसती है। उन्होंने यह भी कहा कि होली के दिन अगर माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो पूजा करने वाले की सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर रंग और उमंग से जुड़े पर्व होली को मनाए जाने का काफी धार्मिक महत्व है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है और इस बार यह त्योहार 26 मार्च को पड़ रहा है। होली का पर्व सिर्फ रंग और गुलाल खेलने से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस दिन देवी देवताओं की पूजा एवं भक्ति से सभी दुखों को दूर भी किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक अगर होली के दौरान अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाए तो लोगों को अलग अलग वरदान मिलता है। जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, महादेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।